दोस्तों सीटेट 7 जुलाई का जो पेपर हुआ है उसमें हम मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। आपको आंसर की देखने की जरूरत नहीं है, हम पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका कि आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 33 था, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक ये दिए हुए थे और आपसे पूछा था कि इनके माध्य और परिसर का अंतर क्या होगा। तो आपको पता है माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और परिसर क्या होता है, उच्चतम, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या है उनके अंतर को परिसर अर्थात रेंज कहते हैं। तो बस आपको इनका अंतर निकालना था। माध्य क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या 30.5 आएगी, इसे हल करेंगे, और उच्चतम और निम्नतम का अंतर आएगा 25, और इन दोनों का अंतर 5.5 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन के लिए। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5y का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x प्लस 5y माइनस 14 बराबर दिया हुआ था 2x प्लस 5y प्लस p इंटू 2x प्लस 5y प्लस q, और आपसे p प्लस q की वैल्यू पूछी गई थी। p प्लस q की वैल्यू क्या होगी, ये चार ऑप्शन दिए थे 9 माइनस 5 7 माइनस 14। तो बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आपको क्या करना था 2x प्लस 5y की जगह आप रख लेते a इस इक्वेशन में, तो फ्रेंड्स आपका इक्वेशन आता a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14। अब इसको सॉल्व कर लेते, 14 बन जा 14 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस 5a आ जाए, तो 7 × 2 = 14 हो गया, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2a माइनस 14। तो बस इन दोनों में से a कॉमन लिया, तो इसको सॉल्व करने पे आप देखेंगे a माइनस 7 a प्लस 2 आया। अब a की जगह हमने किसकी जगह रखा था 2x प्लस 5y, तो बस हमने a की वैल्यू यहाँ पे रख दी 2x प्लस 5y माइनस 7 2x प्लस 5y प्लस 2। अब बराबर इसके क्या दिया हुआ था, ये इक्वेशन दिया हुआ था। अब आप देखिए 2x प्लस 5 ये अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 5y यहाँ भी है 2x प्लस 5y यहाँ भी है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करने पे माइनस 7 और q की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब p प्लस q क्या होगा, माइनस 7 प्लस 2 तो माइनस 5, ऑप्शन सेकंड वाला इसका करेक्ट होगा। एक आदमी ने 12 पंखे 24,000 रुपए के खरीदे और प्रत्येक पंखे पर जो क्रय मूल्य था उससे 25% बढ़ाकर अंकित मूल्य डाल दिया, और उसने अंकित मूल्य पर प्रत्येक पंखे को 10% छूट पे बेच दिया, तो उस व्यक्ति को कुल कितना लाभ हुआ। ऑप्शन थे 3200, 3500, 2700, 3000। दोस्तों एक पंखा का क्रय मूल्य कितना होगा, जब 12 पंखे 24,000 के हैं तो एक पंखा 24,000 × 12 2000 रुपए का एक पंखा हुआ, और उसने अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर डाला, 25% बढ़ाकर डाला, मतलब 2000 का 125% निकालेंगे तो उसने अंकित मूल्य 2500 रुपए रखा, और उसने विक्रय मूल्य क्या रखा, उस पर 10% की छूट दे दी अंकित मूल्य पे, तो मतलब अंकित मूल्य का 90% उसने रुपए में बेच दिया, तो 2500 का 90% आएगा 2250 रुपए में बेच दिया, तो एक पंखे पर उसको लाभ कितना हुआ, 2000 रुपए का उसने खरीदा था और 2250 का बेच दिया, मतलब 250 रुपए का लाभ उसे एक पंखे पे हुआ। तो 12 पंखों पर कुल लाभ कितना होगा, 250 × 12 3000 रुपए, तो ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट था, उस व्यक्ति को कुल 3000 रुपए का 12 पंखे बेचने पर लाभ होगा। फ्रेंड्स अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। चार ऑप्शन थे -4c, 2c, b-c, c-a। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप क्या कीजिए a माइनस बी दोनों जगह है, a माइनस बी की जगह x रख दीजिए, तो x प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस ए। अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो स्क्वायर वाले टर्म कट जाएंगे, इसका 2xc और इसका 2xc जुड़ जाएगा, 4xc हो जाएगा अपॉन b माइनस ए। अब x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी रख दिया इंटू सी अपॉन बी माइनस ए, यहाँ a माइनस बी है यहाँ b माइनस ए है, आप क्या कीजिए b माइनस ए में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, 4c बचेगा और जो माइनस कॉमन लिया वो बचेगा, तो आंसर -4c आएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट था। आइए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक ट्रायंगल दिया था ए बी सी और इसमें दिया हुआ था एक बिंदु एम है ए बी पर, एक बिंदु एम इस प्रकार है कि ए एम बी एम और सी एम तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो दिया गया था अगर कोण ए एक्स डिग्री है और कोण बी अगर 70 डिग्री है तो 3x प्लस 25 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो दोस्तों हमने ये ट्रायंगल बना लिया, अब हमें पता है ये 70 डिग्री है अगर, और ये लाइन सी एम बी एम के बराबर है दिया हुआ था। अब आप बताइए जब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके द्वारा बने कोण एक ही आधार पर बने कोण बराबर होंगे, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। अब इस त्रिभुज में जब ये 70 ये 70 140 डिग्री और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 70 70 हो गया 140 और 140 तो बचा हुआ 40 डिग्री, ये कोण हो गया।
अब जब ये 40 हो गया तो ये 180 है, माइनस 180 तो ये 140 हो गया। जब ये 140 हो गया, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर हुए। जब ये 140 है तो बचा हुआ कोण दोनों कितने होंगे, 40 डिग्री होंगे। तो 40 मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री। अब बस x की वैल्यू हमें 20 डिग्री मिल गई, ये दिया हुआ था x है, तो यहाँ पे रखिए 3x plus 25, 3x मतलब 20 into 3 कितना आएगा, 20 तो यहाँ 60 plus 25, 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट था, 85 डिग्री इसका करेक्ट आंसर था। आइए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये फ्रैक्शन दिए हुए थे आपको, सबसे बड़ा फ्रैक्शन और सबसे छोटे फ्रैक्शन का योग निकालना था, सम निकालना था। फ्रैक्शन थे 6/7, 13/5, 3/8 और 38/15, और पूछा था सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग क्या होगा। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी सबसे बड़ा सबसे छोटा निकालने की। आप देखिए ये 6/7 है और ये 3/8 है, मतलब ये पॉइंट्स में आंसर आएंगे। लेकिन यहाँ देखिए 13/5 और 38/15, मतलब ये दो, जैसे 5 × 2 = 10 तो 2 दशमलव समथिंग आएगा, ये 15 × 2 = 30 ये भी 2 दशमलव समथिंग आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही बड़ा है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का 38 से कीजिए, 15 का 13 से कीजिए, तो आप देखेंगे 13/5 सबसे बड़ा नंबर है। फिर आप सबसे छोटा नंबर निकालने जाएंगे तो 6/7 और 3/8 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 6 = 48 और 7 × 3 = 21, मतलब ये नंबर बड़ा है, तो सबसे छोटा 3/8। अब इनका एलसीएम 8 और 5 का एलसीएम आएगा 8×5 = 40। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 119/40 इसका आंसर आएगा। अब आप देखिए 40 जब एलसीएम आया तो मतलब पहला और तीसरा तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इनका एलसीएम 35 है। अब यहाँ देखिए 40 × 2 = 80, 0 में यहाँ 9 है, यहाँ भी देखिए 9 है जबकि यहाँ 7 दिया है। तो आप बिना सॉल्व किए ही मिक्स फ्रैक्शन में बिना बदले इसको डायरेक्टली ऑप्शन सेकेंड करेक्ट कर सकते थे।